सब्सक्राइब कीजिए टेक ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू टेक ट्यूबर्स, मैं हूं आपका दोस्त शाज़ेब अशरफ। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम बेस्ट स्मार्टफोन्स टू बाय अंडर 15,000 बजट के लिए। जब आप 15,000 के बजट के लिए स्मार्टफोन परचेज करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपके सामने आते हैं, माइंड में कन्फ्यूजन आती है कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन जो रहने वाला है वो है सबसे स्टार्टिंग बजट में Xiaomi का Redmi Note 10। 10,000 से 15,000 के बजट में इस स्मार्टफोन को आना ही होता है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 12,500 के बजट में, 12,500 ओनली। इसमें आपको दी गई है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सबसे कम बजट में एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रहा है स्मार्टफोन में। साथ ही साथ इसमें आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन का 678 का प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है। नॉर्मल गेमिंग आप स्मार्टफोन में आराम से कर सकते हैं। क्वाड कैमरा सेटअप बैक पैनल पर दिया है स्मार्टफोन में आपके लिए। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर भी है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में फोटोज आपके लिए क्लिक कर लेता है। 5000 mAh की आपको बैटरी भी स्मार्टफोन में मिल जाती है 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, बड़ी बैटरी भी है और एक एमोलेड पैनल भी आपको मिल रहा है मात्र 12,500 रुपए में Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10। तो काफी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है अगर आप सबसे कम बजट में जा रहे हैं 10 से 15 के बीच में। इस बजट के लिए सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन Redmi Note 10 है। नाउ नेक्स्ट स्मार्टफोन इज Poco M2 Pro। अगर आप 1,000 रुपीज का बजट बढ़ा सकते हैं जो Redmi Note 10 मैंने आपको बताया, तो आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल सकती है। Poco M2 Pro बहुत स्मार्टफोन ये सेल हुआ है और आज भी सेल हो रहा है, तो अपने आप में बेस्ट सेगमेंट का ये स्मार्टफोन है। अगेन 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है, क्वाड कैमरा सेटअप भी है और एक ग्लास का आपको बैग भी दिया गया है इसमें स्मार्टफोन में, जो कि इसको स्टाइलिश बनाता है। और गेमिंग इसमें आपको बेहतर मिल रही है Redmi Note 10 से क्योंकि 720G का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ। साथ ही साथ क्वाड कैमरा सेटअप है, फुल HD प्लस का 6.67 इंच का आपको डिस्प्ले भी दिया गया है। तो इस स्मार्टफोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप 13,000 रुपीज़ के बजट में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन इज फ्रॉम Motorola, Moto G40 Fusion। अगेन ये जो स्मार्टफोन है 14,500 रुपीज़ में आपको मिल जाता है और अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन ये भी है। इसमें परफॉर्मेंस भी आपको मिल रही है और डिस्प्ले भी अपने आप में सुपीरियर क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिलता है। 6.8 इंच का 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको डिस्प्ले पैनल मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मतलब BGMI बहुत ही जबरदस्त चलने वाली है। नाउ बैटरी इज वेरी बिग, 6000 mAh बैटरी विद फास्ट चार्जिंग एंड वी हैव 64 MP मेन सेंसर और इससे आप बहुत ही अच्छी फोटो ले सकते हैं। अपने आप में बहुत ही बेहतरीन ये स्मार्टफोन 14,500 रुपीज के बजट के लिए अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। सो इफ यू वॉन्ट स्टॉक एंड्रॉयड एंड वेरी गुड गेमिंग एक्सपीरियंस, यू कैन गो विद दिस स्मार्टफोन। अपने आप में बहुत ही बेस्ट ये स्मार्टफोन रहने वाला है। स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर और 120Hz का रिफ्रेश रेट। ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्मार्टफोन हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको अपने सेगमेंट वाइज ये स्मार्टफोन सूट करता है। 5G बहुत हो रहा है और 5G के चक्कर में हम Realme 8 को कैसे भूल जाएं। Realme 8 आपको मिलता है 14,000 रुपीज के बजट में, इसमें आपको 5G बैंड भी दिया गया है। नाउ दिस स्मार्टफोन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ए यूनिक कॉम्बिनेशन यू कैन से। इसमें आपको दिया गया है 7 nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है MediaTek का और बहुत ही बेहतरीन आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें भी मिल जाती है। एक 5G स्मार्टफोन होने के साथ साथ 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है, 18W का चार्जिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बैटरी बड़ी है इसमें भी। इस स्मार्टफोन में भी आपको 48 MP का मेन सेंसर मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप स्मार्टफोन में भी है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की 90Hz के रिफ्रेश वाली एक बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी। इसमें आपको मिल जाती है 4GB रैम और 8GB रैम वेरियंट के मॉडल और इसमें आपको 5G बैंड तो मिलता ही है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं Realme 8 से और ये जो Realme 8 5G है तो ये इसका जो बजट है वो 14,000 का है, Realme 8 जो है वो आपको 15,000 का मिलता है। Realme 8 में आपको बेटर डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है क्योंकि वहाँ पे AMOLED पैनल को यूज़ किया गया है और 64 MP का मेन सेंसर दिया गया है। तो अगर आपको कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर चाहिए और डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको बेटर चाहिए तो आप 1,000 रुपये का बजट बढ़ा सकते हैं और Realme 8 को भी परचेज कर सकते हैं जो 15,000 में आपको मिलता है। Realme 8 5G की जो प्राइसिंग है वो 14,000 है।
Realme Narzo 20 Pro, Realme Narzo की सीरीज भी अलग चलती है, आपको पता ही है, और Realme की खुद की सीरीज जो Realme 6, 7, 8 चल रहा है। Narzo 20 Pro में यूनिक यह है कि इसमें आपको Helio का G95 का प्रोसेसर मिलता है। सुपीरियर गेमिंग एक्सपीरियंस आप इसमें ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 लाख इसका N22 बेंचमार्क रिजल्ट है, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। और इसमें आपको दी गई है एक 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.5 इंच का एक डिस्प्ले पैनल। 4500mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। बैटरी थोड़ी आपको कम लग रही होगी, लेकिन सुपीरियर चीज़ यह है कि 65W की आपको सुपीरियर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है इस स्मार्टफोन में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसको चार्ज करने में। नाउ अगेन क्वाड कैमरा सेटअप बैक पैनल पे आपको मिल जाता है। 48MP का मेन सेंसर है। फ्रंट कैमरा भी आपको 16MP का मिल जाता है। 6GB रैम का वेरिएंट आपको मिलता है 15,000 बजट में। अगर आप इसके ऊपर जाना चाहें तो 8GB रैम वेरिएंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 15,000 बजट पे ही रुके हुए हैं, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 6GB रैम वेरिएंट के बारे में बताया है। पोको को हम शामिल ना करें अपनी इस वीडियो में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पोको का X3 स्मार्टफोन, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट स्मार्टफोन है, ये आपको मिलता है 15,000 रुपीज में एग्जैक्ट। इसमें भी आपको बहुत ही सुपीरियर स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल जाता है। फुल HD+ का डिस्प्ले पैनल है। गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बेटर होने वाला है आपका। पबजी मोबाइल जो इंडियन वर्जन में आ गई है BGMI के नाम से, उसका भी गेमिंग एक्सपीरियंस अलग लेवल पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 732G का एक चिपसेट प्रोसेसर, जिसका जो बेंचमार्क है वो ऑलमोस्ट 3,20,000 के अराउंड पड़ जाता है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाती है। क्वाड कैमरा सेटअप है बैक पैनल पे 64MP का। मेन सेंसर आपको दिया गया है। 6000mAh की एक बिग बैटरी भी मिल जाती है, और इसमें भी आपको मिलती है 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। सो अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट ये स्मार्टफोन है, 15,000 बजट में पोको की तरफ से आता है। ये अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट स्मार्टफोन है 15,000 बजट के हिसाब से। इस वीडियो में हमने पोको के 2 स्मार्टफोन को डिस्कस किया है, पोको M2 Pro साथ ही साथ पोको X3। ये भी स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट पे बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, और चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। मिलते हैं आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक से जुड़ी हुई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिएगा। हैव अ नाइस डे।